आगे से अगर ऐसी हरकत करेंगे ना भाभी जी भभूती जी तो हम उनके गुर्दे लाल कर देंगे। नहीं 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 चिंता मत करिए भाभी जी, हम हैं उनके दिल में, हमारे लिए खौफ है। डर काहे रही हैं आप? अरे काहे डर रही हैं जवाब है तो डरिए मत। बिल्कुल पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। भाभी जी घर पर हैं? हैं। अरे अंगूरी को फिर से छेड़ने हमारे मुंह पे कीचड़ मलने आए हैं क्या? तिवारी जी मैं ऑलरेडी बहुत शर्मिंदा हूं, और शर्मिंदा ना करें मैं पानी पानी हो जाऊंगा। किससे बात कर रहे हैं लड़के भैया? आदिया, आदिया, परमुती जी आए हैं, ये हमको फिर से छेड़ेंगे का? नहीं भाभी जी मैं छेड़ने नहीं, मैं आप दोनों से माफी मांगने आया हूँ। भाभी जी आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप चप्पल से मार लीजिए। तिवारी जी आप मुझे जूते से मार लीजिए, लेकिन मुझे ये सजा मत दीजिए, मैं आप जैसे मासूम अच्छे पड़ोसियों को खोना नहीं चाहता। मैं आपकी नफरत सहन नहीं कर पाऊंगा तिवारी जी और भाभी जी, मैं मर जाऊंगा। बस कर पगले अब रुलाएगा क्या? आ हमारे गले लग जा, आ, आ इधर लग बे। आप कितने महान हैं तिवारी जी, मैंने आपको कितना तपाया, कितना जलाया, कितनी बदतमीजी की आपके साथ, लेकिन आप तिवारी जी आप कितने महान हैं, आपने मुझे माफ कर दिया तिवारी जी, थैंक यू, थैंक यू। बेहतरीन, कोई बात नहीं, देखो अब गलती तो इंसान से होती है, इसीलिए माफ कर दिया, अब हमसे भी तो बहुत सारी गलतियां होती हैं। I know you made so many mistakes, बहुत गलतियां की हैं आपने भी जिंदगी में, एक सबसे बड़ी गलती। भाभी जी इमोशनल सही पकड़े हैं, शांत हो जाइए अब। चलता रुकिए भभूति जी, अंगूरी भभूति जी के लिए भी खाने वाने का इंतजाम करो, जाओ। हाँ। नहीं 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 आप दोनों ने मुझे माफ कर दिया, मेरा पेट भर गया, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं खा के जाना पड़ेगा वरना हम नाराज हो जाएंगे। हाँ, और हम भी नाराज हो जाएंगे। नहीं मैं आप दोनों को नाराज नहीं करूंगा, भाभी जी कुछ समोसे और जलेबी पकड़ लीजिए फिर। जीरा भी देंगे, आपको गैस नहीं होगा। भाभी जी गैस। सारो विभूति नल्ला मच्छर के बहाने हमें ससुर दो तीन बार थप्पड़ जाके चलोगा, अब की बार आंदो सारे के छील के रख देंगे हम सारे के। दरोगा जी नमस्ते। नमस्ते कर लो, नमस्ते भैया, बढ़िया सी स्पेशल चाय बना दो ढैया अदरक डाल के। दरोगा जी हम आपसे एक बात कहें। कर लो बातें कर लो। दरोगा जी हम उस दिन देखे थे आपके गाल पे ना कोई मच्छर नहीं था।
ना ना कल्लू ऐसा ना है गो, असल में बात ना सच में हमारे गाल पे मच्छर बैठो तू, हमें ऐसा चलत भाव भी फील भाव बने थप्पड़ मार दो सोचो बना भैया विभूति मतलब सचो नल्ला की हिम्मत है कि हमारे गाल पे ऐसे टच कर दे ना, बिल्कुल मच्छर है तू दारोगा जी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ और आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ और आपके पैर पड़ता हूँ प्लीज। अरे छोड़ो यार, छोड़ो छोड़ो, देखो कर लो अच्छो रहो इनने हमसे टाइम से पहले अपनी माफी मांग ली। ठीक है भैया, हम तो मैं माफ कर रहे हैं, लेकिन यार एक बात को ध्यान रखो, आइंदा ऐसी गलती कबू ना करियो, वरना हम खड़े खड़े तुम्हारे थी वारंट निकालेंगे, तुम हवालात की हवा खाओगे फिर। अब कभी नहीं करूंगा, बस मुझे इस बार माफ कर दीजिए। चलो काम देखो अपनो, और कर लो स्कूल कैसे चल लो? स्कूल तो अच्छे चल लो। ये कहां से फोन कर रहा है यार ये? हेलो, सुन बे विभूति, है दरोगा के गाल पर एक झन्नाटेदार तमाचा रसीद कर फौरन। ठीक है, तुमने तो कहा ना कर जैसा कहता हूँ वैसा कर वरना। ठीक है, और सुन फोन। मैं समझ गया, तुम्हें गूंज सुनने का बड़ा शौक है, मैं फोन नहीं काटूंगा। गुड बॉय। हाँ सर, आई मजा आया बे। थैंक यू सर। यार करप्शन इतना ज्यादा है तो थप्पड़ भी ज्यादा होने चाहिए। आई लाइक इट। अब जो कहा तो सोचो। बस मेरा मन किया कि मैं आपके इन कल्लों पर एक दूं चमाट। तो फिर मेरा मंदिर ही बनवा दीजिए। भाभी जी, हमारा बस चले तो हम तो स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना दे और आपके साथ उसमें हो ले। हाय अनीता जी, आई है। अरे अंगूरी जी। हेलो, कैसे हो? अंगूरी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको ना मुझे एक बहुत अच्छी खुशखबरी देनी थी। हाँ, कहाँ न्यूड है? वो न्यूज होता है पगली। हाँ सही पकड़े है, कहाँ खबर है बताइए ना। अरे अंगूरी जी, कल मेरे पास विभू माफी मांगने आया था। हाँ, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। कल तो वो मेरे पैरों में गिर गया। It felt so nice. अरे वो कह रहा था कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत किया, मैंने जो अंगूरी जी और तिवारी जी के साथ किया वो भी मैंने बहुत गलत किया। अरे भाभी जी क्या बताएं, माफी तो हमसे भी मांग गए। अच्छा, I also felt so nice. हाँ नीता जी, भरभूति जी आए थे यहाँ और बहुत ही शर्मिंदा थे बेचारे, उनको देख कर ना हम रिलेटिव के भैया बहुत लूज इमोशनल हो गए। वो इमोशनल होता है पगली। हाँ सही पकड़े हैं। क्या ना भभूति भाभी जी, क्या है कि पिछले एक साल से भभूति जी चाहे जैसे भी हैं उनसे एक अजीब सी अटैचमेंट सी हो गई है। हाँ, अब देखिए ना, घर में अगर कुत्ता पाल लो तो अटैचमेंट तो कुत्ते से हो जाती है, भभूति जी तो फिर भी इंसान है। So nice of you, तिवारी जी। वैसे अगर आपने एग्जाम्पल कोई और दिया होता तो बेहतर होता, लेकिन ठीक है, आपका बैकग्राउंड देखते हुए इट्स ओके, नाइस ऑफ यू। अरे विभू आओ ना, देखिए आ गया मेरा गुड बॉय। कितना अच्छा किया मेरे गुड बॉय ने सबसे माफी मांगी। हेलो भगवती जी। भगवती जी, आप बिल्कुल हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे सखा हैं। Excuse me. पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।